जब उन्होंने ना कहा तो मेरी माता जी ने और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, और मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ इज व्हेन आई एम सीइंग माय मॉम रिक्वेस्टिंग एंड प्लीडिंग समबडी फॉर अ फेवर फॉर मी। उस वर्ष मेरा किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ, रैंक की बात तो छोड़िए, आईटी में कहीं भी नंबर नहीं है। हर तरह के और जॉब्स किए, ऑटो रिक्शा को चलाने के बजाय मैंने सब कुछ दिल्ली में किया ताकि जो आपका पॉकेट मनी का खर्चा है वो परिवार से ना लेना पड़े। पहले काफी स्ट्रगल करना पड़ा भाषा को लेकर के, अंग्रेजी कम आने के को लेकर के। हालांकि इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे लेकिन बोलचाल में अंग्रेजी में हाथ उतना खुला नहीं था। मेरे एक मित्र हैं माइक्रोसॉफ्ट में, तो उन्होंने कहा एक बार फोन करके, पुनीत आप लंदन में हैं और मेरे जो बॉस हैं उस टाइम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो 5 साल के अंदर मैंने काफी रोल्स किए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, समझा कि लार्ज कंपनी में कैसे काम करते हैं, मैं इंडिया से अमेरिका कैसे चले जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत साधारण सा स्नातक था, बीएससी फिजिक्स, वो भी रांची यूनिवर्सिटी से, 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी, तो अमेरिका कैसे कोई जा सकता है। लेकिन इसी में क्या होता है कि जो लोग आपके साथ काम कर चुके हैं, जो आपके कॉलीग्स रह चुके हैं, जब वो कहीं और जाते हैं तो आपको रेफर कर सकते हैं और उससे आपका जाना वहां सरल हो जाता है। ये जो जर्नी है उसका आनंद उठाएं, गोल मिलेगा सबको, लेकिन अगर गोल पे ज्यादा फोकस रहेगा तो जर्नी का आनंद नहीं मिलेगा। स्टोरीफाइड टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है पुनीत मॉन्टिल। मेरा जन्म नई दिल्ली में हुआ लेकिन उसके उपरांत मेरी जो पढ़ाई लिखाई जो शुरू के वर्ष बीते वो रांची में बीते। रांची उस समय बिहार का एक हिस्सा था, अब झारखंड की राजधानी है। तो मेरी जो शुरुआत की पढ़ाई लिखाई है कॉलेज तक की, वो मेरी रांची में हुई। और रांची से स्नातक की उपाधि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं दिल्ली आया, जहां मैं आईआईएम की तैयारी में जुटा। और उसी दौरान काफी अल्प आयु में ही, छोटी आयु में ही मुझे जॉब का अवसर मिला और मैं उसके बाद आईटी इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री में 19 वर्ष की आयु में ही जुड़ गया। तो वहां से मेरा आरंभ होता है मेरे करियर का, और इस यात्रा के बारे में और आपसे साझा करूंगा। यहीं से मेरी शुरू होती यात्रा, रांची से दिल्ली और दिल्ली से फिर आगे। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मैं एक छोटे से शहर रांची से दिल्ली आया था, और पहले काफी स्ट्रगल करना पड़ा भाषा को लेकर के, अंग्रेजी कम आने के को लेकर के। हालांकि इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे लेकिन बोलचाल में अंग्रेजी में हाथ उतना खुला नहीं था। तो जब दिल्ली आया कॉर्पोरेट जगत में, पहले मैं आईएम्स की तैयारी कर रहा था, उसी टाइम पे कंपनी ने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में ऐड डाला कि हमें मैनेजमेंट ट्रेनीज चाहिए और उसके लिए जो एग्जाम स्टाइल होगा वो कैट का होगा। तो हमें लगा भाई फ्री का एग्जाम है, टेस्ट हो जाएगा अपना। तो मैं जाके उस एग्जाम में बैठा और ईश्वर की कृपा है कि उस एग्जाम में मेरा हो गया। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ, जीडी में भी हो गया, उसके बाद टीआई हुआ, पर्सनल इंटरव्यू उसमें भी हो गया। तो सोचा नहीं था कि नौकरी करनी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिल गई उस कंपनी में। और उसके बाद सोचना पड़ा कि अब मैं कैट की तैयारी करूं या कैट की तैयारी के अलावा मैं किसी इंडस्ट्री में फुल टाइम जॉब करूं। जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था तो जब समय होता था मेरे पास दिल्ली में, तो मैंने हर तरह के और जॉब्स किए, ऑटो रिक्शा को चलाने के बजाय मैंने सब कुछ दिल्ली में किया ताकि जो आपका पॉकेट मनी का खर्चा है वो परिवार से ना लेना पड़े। और जो आप किसी भी महानगर में जाते हैं तो आपको एक डेली खर्चा होता है, कहीं भी जाते हैं आप बस लेते हैं, ऑटो लेते हैं, बाहर कभी अल्पाहार भी करते हैं तो आपके पैसे खर्च होते हैं। तो इसलिए मैं काफी ऑड जॉब्स किए। उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं एम्बेसी की वीजा की लाइन में खड़ा होता था सुबह सुबह जाकर के, और जब एम्बेसी का वीजा की लाइन खुलती थी सुबह 9 बजे, उस टाइम पे, आजकल तो अपॉइंटमेंट सिस्टम है, पहले ऐसा नहीं था, तो उस टाइम पे जो लास्ट मिनट पे आएंगे और उनको उसी दिन वीजा के लिए जाना होता था तो वो मुझे कुछ पैसे देकर के मेरी वीजा पोजीशन, क्यू पोजीशन खरीद लेते थे। तो इस तरह के काफी छुटपुट बड़े इंटरेस्टिंग अनुभव रहे। महानगर में एक छोटे नगर का व्यक्ति पहुंचे तो ऐसा ही होता है। लेकिन जब वो नौकरी लगी मेरी कंप्यूटर इंडस्ट्री में, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री थी, तो फिर उसमें बहुत सीखने को मिला। तो इसमें एक सूत्र है आपके लिए कि अगर आप किसी ग्रोथ इंडस्ट्री में शुरू में जुड़ जाएं और जब वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है तो उसमें आपकी ग्रोथ स्वाभाविक रूप से साथ में हो जाएगी। अगर आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं जो ऑलरेडी मेच्योर है और सब व्यवस्थाएं बन चुकी हैं तो आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उस कंप्यूटर इंडस्ट्री में मैं फिर दिल्ली में कार्यरत रहा। मैंने हार्डवेयर सेल्स में शुरुआत किया, और ये भी काफी लोग सोचते हैं कि अपना करियर सेल्स से ना शुरू करा जाए। तो मैं कहना चाहूंगा, चाहे आप एमबीए हो चाहे इंजीनियर हो, अगर आपको कभी अवसर मिले, मौका मिले, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो अपना करियर सेल्स में जरूर लगाएं। पहले 1-2 वर्ष जो है सेल्स से आपको हाई ग्रोथ मिलेगी, फास्ट ग्रोथ मिलेगी। और जैसे मेरा था कि मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या करना है, लेकिन ये पता था कि मुझे ऑफिस में नहीं बैठना है, मुझे घूमना है, फिरना है, थोड़ा फ्रीडम मिले कुछ और करने का, सीखने का। तो इस हिसाब से सेल्स और मार्केटिंग की जॉब्स थी, तो सेल्स में मेरा हो गया। वहां से मैंने भारत भ्रमण किया, बहुत जगह गया और कंप्यूटर सेल्स में रहा। जब मन किया कि सेल्स से अब हार्डवेयर सेल्स से हट के सॉफ्टवेयर में आ जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर की अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, तो फिर मैंने वहां से सेल्स में ही एनआईटी में, उस टाइम सॉफ्टवेयर में काफी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, इंफोसिस भी बड़ी थी उस टाइम पे एनआईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए, तो मैं उनके आरएनडी सेंटर में चला गया, वहां कुछ वर्ष काम किया। फिर क्या होता है कि कई जॉब्स जो आप देखेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना है, या अगर आप कहेंगे कि मैं इंडिया से अमेरिका कैसे चले जाऊं,
क्योंकि मैं बहुत साधारण सा स्नातक था, बीएससी फिजिक्स, वो भी रांची यूनिवर्सिटी से, 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी, मैंने एमबीए भी नहीं किया था आईएम वगैरह से या किसी बड़े इंस्टीट्यूट से, तो अमेरिका कैसे कोई जा सकता है। लेकिन इसी में क्या होता है कि जो लोग आपके साथ काम कर चुके हैं, जो आपके कॉलीग्स रह चुके हैं, जब वो कहीं और जाते हैं तो आपको रेफर कर सकते हैं और उससे आपका जाना वहां सरल हो जाता है। तो मेरे करियर में ये कई बार ऐसा हुआ है कि जिनके साथ मैंने काम किया है एज कॉलीग्स या एज बॉस वर्कर, उन्होंने ही मुझे बाकी जगह पे रेफर किया है या इनवाइट किया है। तो अगर आप अपने करियर के शुरुआत में हैं तो कई बार आप देखेंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे आपसे, और अगर उनकी आपसे रिलेशनशिप अच्छी रही, उन्होंने देखा कि आप कर्मठ हैं और इफ यू ब्रिंग समथिंग टू वर्क, तो आपको रेफर करेंगे। शैलेश ग्रोवर मेरे एक मित्र थे एनआईटी में, वो मेरे से पहले टेक्नोलॉजिस्ट थे, हार्वर्ड बटलर कानपुर के ग्रेजुएट थे, इंजीनियर थे, अच्छी पोजीशन में थे एनआईटी में, तो वो अमेरिका चले गए सिलिकॉन वैली। और जब वहां गए तो उनकी कंपनी में किसी ने कहा, सीईओ ने कहा टाउन हॉल में कि हमें एक अच्छे मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है, आवश्यकता है। तो शैलेश ने कहा कि भाई अगर आप वीजा करना चाहें तो मेरे पास एक मित्र है, मैं जानता हूं उनको काम अच्छा करते हैं, लेकिन वो दिल्ली में है। तो मेरा उस टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती थी, मोबाइल्स नहीं थे, तो बस एक फोन पे साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ, और मुझे H1B मिला इंडिया से अमेरिका जाने का। तो जो इंजीनियरिंग भी करते हैं वो मास्टर्स करने पहले अमेरिका जाते हैं, फिर वहां से उनकी प्लेसमेंट होती है। मुझे बैठे बैठे दिल्ली में एक घंटे के फोन इंटरव्यू के बाद एक अमेरिकन कंपनी, वो भी सिलिकॉन वैली से, मार्केटिंग के लिए मुझे भारत से अमेरिका बुलाया। तो इसमें एक जो लेसन मेरा रहा, जो मैं आप लोग से साझा करना चाहता हूं, कि जिनके साथ आप काम करते हैं उनमें से कई विभिन्न स्थानों पे जाएंगे, कंपनीज में जाएंगे, और जो आपका स्वभाव रहा है उससे प्रेरित होकर के वो आपको कई जगह पे इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे, भाई हमारी कंपनी में ये जरूरत है, आप आओ। मेरे साथ ये कई बार हुआ है। शुरुआत में करियर में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि कौन आपको जानता है और आपके बारे में आपके पीछे क्या वो कहते हैं, उससे ही आपकी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। यही हाल मेरा लंदन में हुआ। जब मैं लंदन में अपनी कंपनी बेचने के बाद सोच रहा था कि मैं क्या करूं, उसी वक्त मेरे एक मित्र हैं माइक्रोसॉफ्ट में, जो मुझे जानते थे काफी वर्षों से, रंजीव सिंह, तो उन्होंने कहा एक बार फोन करके, पुनीत आप लंदन में हैं और मेरे जो बॉस हैं उस टाइम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हालांकि मैं जॉब नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन रंजीव ने कहा, अरे मेरे बॉस हैं, मैंने तुम्हारे बारे में कह दिया है, वो लंदन के थ्रू सियाटल जाएंगे, तो मिल लेना। उनसे भेंट हुई डग होगर से, जो मेरे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के उस टाइम पे, और जब जितना मैं उनको मना करता गया, मुझे भारत तो आना है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम नहीं करना है, मैं उद्यमी हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, कुछ नया शुरू करूंगा, उतना ही उन्होंने मुझे ज्यादा बोला, और फिर बात बनती चली गई और मैं माइक्रोसॉफ्ट मार्केटिंग हेड के जॉब के साथ, ऑफर के साथ भारत वापस आया। तो कई बार ऐसा होगा जहां पे जिनके साथ आपने काम किया है वो विभिन्न स्थलों पे जाएंगे, विभिन्न पोजीशंस में जाएंगे, वो आपके बारे में जानकारी रखेंगे। इसमें एक हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं बहुत, कॉल्ड नेटवर्किंग। मैं नेटवर्किंग के बिल्कुल विपरीत जाता हूं, खिलाफ हूं मैं उसके। आप नेटवर्किंग मत कीजिए। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि बस इस हाथ ले उस हाथ दे, बिजनेस कार्ड लिया और प्रपोजल भेज दिया। ये आज के माहौल में, डिजिटल युग में नहीं काम करता है। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप्स बनाना और उनको लॉन्ग टर्म तक रखना, डीप नहीं, सबसे आप घनिष्ठ मित्र नहीं बन सकते, लेकिन किनको आप जानते हैं, किनके काम को आप जानते हैं, वो आपके बारे में क्या जानते हैं। और डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है, लिंक्डइन का जमाना है, लिंक्डइन ने बहुत मुझे मदद करी है, मेरी सहायता करी है, उसके थ्रू आप सबसे टच में रह सकते हैं। और अगर आप सबसे टच में रहेंगे और जानेंगे वो आपके बारे में जानेंगे क्या कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, जब मैंने अपने वेंचर्स शुरू किए हैं तो मेरे पहले को फाउंडर्स नेटवर्क से आए हैं, और नेटवर्किंग नहीं करता हूं मैं, लेकिन नेटवर्क को यूज करने के लिए आपको नेटवर्किंग की बजाय रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी। आई थिंक 2016 में ISB हैदराबाद ने मुझे एक गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया था स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें यही कहा था कि मैंने कहा मैं मार्केटिंग के बारे में बात करूं या डिजिटल के बारे में बात करूं या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करूं, तो कहा नहीं नहीं आप ये बिजनेस नेटवर्किंग कैसे करते हैं, मैंने कहा हाँ रिलेशनशिप्स उसके बारे में बात करें। तो मैं हैदराबाद गया, वहां रहा 2 दिन, और वहां उस टाइम के जो PGP के छात्र थे, MBA प्रोग्राम उनका होता है 1 साल का, उनके साथ मैंने ही साझा किया था कि मैं कभी भी शॉर्ट टर्म नेटवर्किंग में बिलीव नहीं करता हूं और मैं बिलीव करता हूं लॉन्ग टर्म सेल्फिश रिलेशनशिप में। तो जिससे भी आप मिलें, जुड़ें, स्वभाव अगर आपका मृदुभाषी है, सबसे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो आपको मदद करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया वापस आके ज्वाइन किया एज मार्केटिंग हेड फॉर एंटरप्राइज एंड पब्लिक सेक्टर, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की लीडरशिप टीम में था, और उसमें ये था कि मैं तो उद्यमी था, एंटरप्रेन्योर था, छोटी कंपनी चलाता था, और ये बड़ी बहुत विहंगम वेरी लार्ज मल्टीनेशनल। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ जो गेम है, यहाँ जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, यहाँ जो फ्रेमवर्क है अलग है। तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, कहा 3 महीने बाद कि भाई क्या हुआ, तुम अपने स्वाभाविक रूप से यहाँ नेचुरल स्टाइल से नहीं खेल पा रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि यहाँ बहुत ही सेग्रीगेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, एम्पावरमेंट अलग अलग लेवल की है, और मैं उसका आदि नहीं हूँ इस तरह की। हालांकि मैंने ओरेकल में काम किया था अमेरिका में पहले, लेकिन वो भी लार्ज कंपनी थी, लेकिन इस जिम्मेवारी वाली पोजीशन में, सीनियर पोजीशन में, मैं पहली बार माइक्रोसॉफ्ट में आया था। तो मेरे बॉस ने मुझे याद है कहा था कि मैं तुम्हें बेबी सीटर बना के थोड़े लाया हूं,
और तो तुम्हें क्या समस्या हो रही है? मैंने कहा इतना बड़ा सिस्टम है, इसको सीखने में एक साल लग जाएगा कि कौन डिपार्टमेंट क्या करता है, मल्टीनेशनल है, इतने सारे 140 प्रोडक्ट्स हैं। तुमने कहा देखो मुझे 25 साल हो गए माइक्रोसॉफ्ट में, मैं अभी सीख ही रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो सीखना बंद करो और काम चालू करो। तो शुरू में वो जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट था उसको मुझे फिर थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा। जैसे आप मल्टीनेशनल में काम करते हैं तो टीम कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और फिर अमेरिका वर्सेस इंडिया का भी डायनेमिक चलता है। कई बार हमें वहां से टेम्पलेट भेजी जाती थी कि ये कैंपेन है इसको भारत में लॉन्च कीजिए, और जो लोकल लेवल की ऑटोनॉमी थी सिर्फ वो 20% होती थी कि आप बस 20% उसको चेंज कर सकते हैं, बाकी टेम्पलेट कैंपेन एडवर्टाइजिंग सब कुछ 80% वहीं से आएगा। तो हम लोग लड़ते थे कि भाई 20% में क्या होगा। अब जैसे अगर आप थैंक्सगिविंग की एड चला रहे हैं अमेरिका में, और वो एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड में वेस्टर्न वर्ल्ड में सभी लोग थैंक्सगिविंग मनाते हैं, फिर हम तो दीपावली मनाते हैं यहाँ पर, तो अगर आप थैंक्सगिविंग यहाँ कहेंगे तो लोग बोलेंगे क्या है ये, तो लोकल कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ फिट नहीं बैठ। तो काफ़ी हमारा संघर्ष होता था हेडक्वार्टर से। और ये सही है कि जितने भी एजेंसीज में लोग हमारे मित्र काम कर रहे हैं, युवा हों चाहे सीनियर लेवल पे हों, हम सब की इंटरनल स्ट्रगल चलती रहती है। ओवर से हम सब भारतीय हैं और कई बार जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस आती हैं वो भारत को सोच के विचार के नहीं आती। लेकिन ये आपको मैं श्योर करना चाहूंगा कि जो भी एजेंसीज में काम कर रहे हैं वो हमेशा अपने स्तर पर इसके बारे में लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, पुश बैक करते हैं कि भारत में ये नहीं चलेगा, इसको बदला जाए। तो ये मेरी भी स्ट्रगल रही, लेकिन शुरुआत के 1.5 साल के बाद मुझे समझ में आया कि बड़ी आर्मी है, मल्टीनेशनल है। और फिर मैंने प्रण लिया कि 1 साल से पहले मैं छोड़ूंगा नहीं और 5 साल के बाद किसी लार्ज कंपनी में रहूंगा नहीं, क्योंकि फिर वो आप उसी तरह के ढल जाएंगे और उसके बाद आपका करियर जो है सिर्फ एमएनसी के लायक ही रहेगा। और मुझे कहीं ना कहीं जो मेरा ट्रैक है एंटरप्रेन्योरशिप वाला उसे बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में रहा 5 साल तो उत्सुकता थी, और कई लोगों को याद होगा कि एक टाइम पे स्मार्टफोन्स पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ब्लैकबेरी से भी आगे हुआ करता था। उन्होंने नोकिया खरीदा और कुछ गलतियां करी, उसके बाद एप्पल आईफोन और ये सब आए, तो लगता था कि मैं हमारे पास प्रोडक्ट इतना अच्छा है और मार्केट में डिमांड भी है तो हम क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं। तो जो ऊर्जा थी एंटरप्रेन्योर की वो कहीं दब रही थी। तो 5 साल के अंदर मैंने काफी रोल्स किए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, समझा कि लार्ज कंपनी में कैसे काम करते हैं। तो कई लोग आपसे मेरे से प्रश्न पूछते हैं जब मैं कॉलेज में जाता हूँ कि हाउ कैन आई ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या एप्पल। इसमें इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। देखिए, अपने करियर में, आपका करियर अगर शुरू हो रहा है तो अगले 20-25 साल रहेगा, 30 साल रहेगा। अगर आप 5-10 साल से काम कर रहे हैं तो भी अभी आप 20 साल और काम करेंगे, 20 वर्ष और काम करेंगे, तो आपकी लाइफ टाइम में क्या आप गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अच्छी मल्टीनेशनल्स में काम कर सकते हैं? और क्या सरल है? बिल्कुल सरल है। लेकिन क्या आप कॉलेज के सीधा बाद किसी US मल्टीनेशनल माइक्रोसॉफ्ट में आपको डे जीरो में प्लेसमेंट मिल सकती है? वो थोड़ा कठिन है। उसकी दो वजह है। एक तो वो कम हायरिंग करते हैं, जैसे इन्फोसिस जाती है कैंपसेस में हजारों में हायरिंग करती है हर वर्ष, एक्सेंचर जाती है वो भी ऐसे ही करती है, कॉग्निजंट जाती है हायर करती है, लेकिन जो प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ये बहुत कम हायरिंग करते हैं इंटर्नशिप्स के लिए भी और प्लेसमेंट के लिए भी, और जाते हैं सिर्फ नामी गिरामी टॉप 5-10 कॉलेजेस में हैं। तो अगर आप IIT दिल्ली में हैं और कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो हाँ, शायद आपका चांस ज़्यादा होगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में उनके डेवलपमेंट सेंटर में काम करने के लिए। लेकिन घबराना नहीं है, अगर आपको अच्छी कंपनीज में काम करना है और अगर आप ट्रैक पे रहे तो बड़ी कंपनीज में भी आपको अवसर मिलेगा। तो मेरा जो अवसर मिला मुझे साधारण डिग्री के बाद भी, वो करियर में इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव के बाद मिला। तो मैंने सीधा कॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट नहीं ज्वाइन किया था। पूरा समय सबसे सैड मोमेंट क्या था? जब मैं मेरा सोशल प्रमोशन हुआ अपनी 10th में और 12th की जर्नी में, जब मैं 10वीं 12वीं कर रहा था, सोशल प्रमोशन हमारे सेशन शुरू से पहले जनवरी दिसंबर थे फिर बदले, तो मेरा 2 बार ऐसा हुआ कि मैंने 6 महीने में साल भर का पढ़ाई करके एग्जाम दिया और मात्र 16 वर्ष की आयु में मैं 12th का एग्जाम दे रहा था, 16.5 वर्ष का रहूंगा। और ITJEE की हमारी बहुत खतरनाक तैयारी थी, अग्रवाल क्लासेस से हमने कोचिंग करी थी और हमने पूरी 12वीं जो है अपनी 12th जो है IIT के लिए समर्पित करी थी। तो मुझे पूरा विश्वास था कि जो हम लोग, हमारा बैच था 118 स्टूडेंट्स का, 18 का बैच था PCM का, उसमें मैं टॉप 5 में रहता था अपनी IIT की तैयारी को लेकर के। लेकिन ऐसा भी हुआ कि उस वर्ष तो हमने कहा कि ITJEE में तो होगा ही, अब हम कौन सा रैंक तोड़ेंगे? अगर आप पूर्वांचल से आते हैं तो जन हमारी भाषा ऐसी होती है कि भाई कौन सा रैंक तोड़ेंगे, तो ज्यादा एग्जाम भी नहीं लिखे हमने इंजीनियरिंग के, पता था IIT में तो हो ही जाएगा, रैंक की बात हो रही है। और एक दो एग्जाम और लिखे थे, बिहार इंजीनियरिंग एग्जाम, कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्जाम वगैरह। उस वर्ष मेरा किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ, रैंक की बात तो छोड़िए, IIT में कहीं भी नंबर नहीं आया। इतना हुआ कि मैंने ड्रॉप लिया कि अगले वर्ष की तैयारी करूंगा, वो हो नहीं पाया उसके बाद। तो बहुत आरंभ में ही अपने करियर के educational/professional में समझ में आ गया कि ऐसा होता है। वो एक मेरा लोएस्ट पॉइंट था अपनी यात्रा का अभी तक का, ऐसा 3 बार हुआ है। लेकिन एक बार आप उससे चल पड़े तो समझ में आता है कि ये साइक्लिकल है, साइकिल है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और आप उसको धैर्य से रहिए, संयम से रहिए, ज्यादा विचलित ना हो तो उससे आप कर सकते हैं। अब मैं बता सकता हूँ कि मैंने उस टाइम पे बहुत ही गंभीरता से लिया इसको, लेकिन हाँ, भक्ति थी थोड़ी और परिवार का पूरा सपोर्ट था तो उसको मैं सह गया। और उसके बाद मैंने, क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था
लेकिन चार महीने में समझ में आ गया कि मेरी तैयारी अगले वर्ष के लिए नहीं हो पाएगी आईटीआई की। लेकिन इस दौरान रांची में जितने अच्छे कॉलेजेस थे जो मुझे लेना चाहते थे बीएससी प्रोग्राम्स में, वो सब के एडमिशन बंद हो गए थे। तो बहुत लोगों को नहीं पता कि जेवियर्स कॉलेज बंद हो गया, वहाँ पे अच्छे कॉलेज बंद हो गए, रांची कॉलेज का भी एडमिशन बंद हो गया था बीएससी का, जो बहुत ही उस टाइम पे साधारण सा बीएससी का कॉलेज था। जब मेरा वो आईटीजेई में एडमिशन नहीं हुआ तो कहीं ना किसी ने परिवार को बताया रांची में कि भाई बीआईटी मैसरा में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं, तो उसमें आप जाकर के बात कीजिए। ये लाइफ का मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट है अभी तक के लिए मेरे लिए। तो उसके बाद हम गए, माता जी मुझे लेके गई ट्रस्टी से मिलने करके कलकत्ता, और ट्रस्टी से मिले, उनको प्लीड किया, उनको रिक्वेस्ट करा कि भाई लड़का अच्छा है, मेहनती है, टैलेंटेड है, और इसलिए अगर आप कुछ रिकमेंडेशन डाल सकें, इसको हम लोग रिकमेंडेशन बोले या रेफरेंस बोले, तो शायद उसका एडमिशन हो जाएगा। तो 70-75 वर्ष के रहे होंगे जो ट्रस्टी थे, मारवाड़ी थे, अब पता नहीं है कि इसलिए मैं थे बोल रहा हूँ, प्रभु करे भी हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँ, काफी अच्छे से हमें ट्रीट किया, लेकिन नाश्ता चाय नाश्ता सब हुआ। उन्होंने कहा अगर पढ़ने वाला है, पढ़ाकू है, तो अपना मार्ग खोज लेगा। जो मेरे पास सीट का कोटा है उनके लिए है जो बहुत अति पिछड़े परिवार से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। तो जब उन्होंने ना कहा तो मेरी माता जी ने और हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, और मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ इज व्हेन आई एम सीइंग माय मॉम रिक्वेस्टिंग एंड प्लीडिंग समबडी फॉर अ फेवर फॉर मी, अपने पुत्र के लिए किसी से गिड़गिड़ा रही हैं, उनके रिक्वेस्ट कर रही हैं बार बार। तो मैंने मन में ठाना कि आज के बाद ऊपर जाऊं नीचे जाऊं कुछ भी हो अपने जीवन में, अपने पेरेंट्स को इस तरह की एम्बैरेसिंग पोजीशन में नहीं डालूंगा। जब भी कभी ऊपर नीचे हुआ मैंने इस बारे में सोचा है, दिस इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ, और जीवन के इस पड़ाव में मैं बात कर सकता हूं, कभी मैंने इसके बारे में बात नहीं की। तो मैंने एक किसान कॉलेज में जाकर के, एक गांव के बीच में, तमाड़ एक जगह है रांची और जमशेदपुर के बीच में, वहां जाके, क्योंकि उनके लेट एडमिशन चल रहे थे, तो मैंने वहां जाके एडमिशन लिया, और अगले वर्ष फिर मैंने ट्रांसफर किया रांची कॉलेज। तो सीखा कि जब आपको लगता है कि आईटीजेई में नहीं हुआ, नीट में नहीं हुआ, तो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ऐसा एक दो बार और भी हुआ लाइफ में जो आपने चाहा बहुत, उसके लिए आपने परिश्रम किया और हुआ नहीं, यू वर्क हार्ड फॉर इट, डिडंट गेट इट, तो डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन जैसे आप बढ़ते हैं इसमें समझ में आती है कि पेन और सफरिंग में एक अंतर है। जब नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से पेन होगा, लेकिन जब ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं तो फिर वो सफरिंग में बदल जाता है। इसके पीछे कई गुरुओं ने किताबें लिखी हैं, लेक्चर्स हैं, आप पढ़ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पेन एंड सफरिंग। तो पेन होता है और साइक्लिकल है, और सफर नहीं करना चाहिए। तो जो बैलेंस की बात हम कई बार पढ़ते हैं, आध्यात्मिक गुरु बताते हैं कि जब बहुत खुशी हो रही हो तो उसको संयम में रखिए, और जब बहुत दुख हो रहा हो तो उसको भी संयम में रखिए। हमारे परिवार में जो हमारे गुरुजन हैं, पिताजी माताजी, उनको आप देखेंगे उनका व्यवहार बड़ा संयमित रहता है, बैलेंस में रहता है, तो उसका भी एडवांटेज मिलता है आपको। ये मैंने सीखा है, 3 बार ऐसा हुआ है कि मैं जीरो से गुजरा हूं, लेकिन ये भी था कि बाउंस बैक होगा। आप में से कई पूछेंगे आपकी एक लर्निंग क्या है लाइफ की, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए गोल पे फिक्सेटेड मत होइए, ये जो जर्नी है उसका आनंद उठाएं, गोल मिलेगा सबको, लेकिन अगर गोल पे ज्यादा फोकस रहेगा तो जर्नी का आनंद नहीं मिलेगा, और फिर जब गोल पे पहुंच जाएंगे तो आपको लगेगा अरे तो कुछ फायदा नहीं हुआ इसका। तो जो जर्नी में जब तप है वही उसका आनंद लीजिए, आप सब सक्सेसफुल होंगे, बट कितने संतोषी होंगे, कितने प्रसन्न होंगे गोल को पाके, वो इस पर निर्भर करता है कि आपकी यात्रा कैसे रही। इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहें तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पूरा सार दिया है इस पे अर्जुन को, और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं उसमें आप पढ़ेंगे। तो कई बार आप विचलित हो जाते हैं गोल ना मिलने को लेकर के, ये जो जर्नी है दैट्स फार मोर इम्पोर्टेंट, प्रोसेस, माही भी कहते हैं, विराट कोहली भी कहते हैं, प्रोसेस।